Okay, I am asking the questions, huh? Tell me the meaning ओके of the words don't move, don't move. डोंट मूव हाँ, what do you इट mean दैट in Hindi? मीन्स इज दैट मीन्स कि नॉट मूव देयर In Hindi, tell what is the meaning of don't move? डोंट मूव मीन्स हटो मत घूमो मत. हाँ, ठीक डोंट है. मूव मतलब घूमो मत का राउंड थोड़ी बोला आपने घूमो मत डोंट मूव, मूव मतलब घूमना ही होता है ना. मूव माने होता है चलना या हिलना हाँ, वही, उसको घूमो मत यही बोलेंगे. मेरा आंसर हटो ओके मत. सेकेंड, टर्न अराउंड, घूम जाओ घूम पीछे मुड़ो. ला राइट बात नाउ. तो वही होगी हाँ, राइट नाउ. राइट नाउ अभी तुरंत हाँ, तुरंत ट्राई अगेन. दोबारा ट्राई कर दोबारा फिर करेक्ट से ट्राई करो. मेरी क्यों दोबारा? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. देखे भाई डोंट हाइड, डोंट हाइड, HIDE. छुपो मत नॉट येट, अभी नहीं अभी नहीं. गुड. डोंट फाइट, लड़ो मत इट इज ये यूजलेस. बेकार है बेकार. कीप इन टच, क्या संपर्क में रहो. हाँ, करेक्ट. ओ भाई संपर्क में रहो रहा तेरी हिंदी वॉट टू आस्क, वॉट टू आस्क. व्हाट टू आस्क हाँ, वॉट टू आस्क. व्हाट टू आस्क हाँ, क्या मतलब क्या पूछना है करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वॉट टू से, क्या क्या कहना है बोलना, क्या बोलना है, क्या वेरी गुड वॉट टू डू, क्या क्या करना है करना है. वॉट टू रीड, क्या पढ़ना है पढ़ना है. यू गाइस आर टेलिंग बाय योरसेल्फ ओनली ना, सॉरी मतलब तुम लोग अपने से ही आंसर बता रहे हो ना. तो इतनी जल्दी हाँ, मैं ऐसा कौन है कि जो गूगल देख लेगा इतनी जल्दी और इतने लुक. कम सेकंड में जस्ट 1 सेकंड के अंदर हम आपको आंसर दे रहे हैं ठीक है. व्हाट क्या टू शो, व्हाट व्हाट टू शो. टू शो क्या हाँ, दिखाना है दिखाना. क्या वेरी गुड. लेट्स द स्पिरिट. अच्छा बिल्कुल बोला क्या हाँ, दैट्स क्या बोला दैट्स इट, दैट दैट्स द स्पिरिट. दैट द स्पिरिट ये हुई ना बात कहते हैं. व्हाट सो फनी इन इट. इसमें हंसने क्या हंसने की बात थी वेरी गुड. वो भरोसेमंद नहीं है. अब ओ सॉरी, हिंदी डोंट गेट मी रॉन्ग. बट क्या क्या तुम बारे में बोलना डोंट गेट मी रॉन्ग. मुझे गलत मत ठहराओ गलत मत समझो. हाँ, शिट शाम. मैं ओके कल बाजार गया. मैं कल यस्टरडे आई एम गोइंग टू मार्केट रॉन्ग. आई वेंट आई टू गो टू आई मार्केट यस्टरडे. वेंट हाँ आई वेंट टू मार्केट ओके अब मेरी हवा निकलेगी हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी नहीं हिंदी टू इंग्लिश वहां मेरे घर आज आया. वह मेरे घर आज आया हाँ, दैट ही केम होम टूडे अब हवा सही में निकल रहा है. सही में निकल रहा क्या होगा मैम इसका ही केम टू माई हाउस टूडे. ही केम टू माई हाउस टूडे और जो बोल नहीं पा रहे उसको एक नोटपैड में लिख के सबमिट कर लो. मैं मैं अपना खाना 3 बजे से लिया. अपना खाना 3 बजे से लिया वही पूजा हाँ क्या मैम मैं अपना खाना
बजे से लिया I keep my food at 3 p.m. I took my meal at 3 o'clock. I took my meal. Took my meal at 3 p.m. I took you, ma'am. Me? अच्छा टेक मतलब टुक ओके 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 लिया लिया था तो था में हो गया तो टुक हो गया ओके 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 आई एम फाइन आप कैसे हो नाइस टू मीट यू आपसे मिल के अच्छा लगा बिलीव मी भरोसा करो आई डोंट मीन इट मैं इसका मतलब नहीं जानता कुछ तो मेरा कहने का मतलब नहीं था तुम्हें किसने कहा प्लीज तुम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग व्हाट इज ही डूइंग तुम क्या कर रहे हो वह क्या कर रहा है अच्छा वह क्या कर रहा तुम कहाँ थे Where are you? नहीं तुम कहाँ थे Where were you? WHERE वाला वेयर अच्छा where were you? मालूम है where? हाँ हाँ मालूम नो इट आपके पास क्या है क्यों नहीं करते आप ये तो बताओ पहले आपके पास क्या है व्हाट हैव यू What do you say? मैं इंग्लिश टू हिंदी नहीं बन पा रहा What do you say? Okay. इस डिब्बे में क्या है What type of thing in box? What is in the box? Which book is yours? इसको हिंदी में बताओ. Which book is yours? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारी कौन सी किताब है? कौन सी किताब है? अब तुम्हें क्या पता है? ठीक है तो मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश आ गया आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी तो इजीली मैं समझ लेता हूँ बट लेकिन इंग्लिश में ऐसे कैसे होती है ऐसी मैम पूछो हिंदी टू इंग्लिश मैम ऐसा वर्ड बनाने के लिए कुछ ऐसा कोई टेक्निक नहीं है क्या कैसा वर्ड जैसे कि अपने को कुछ एक वर्ड बनाने का है तो थोड़ा कुछ तो होगा ना टेक्निक नहीं
ठीक है, आज के दिन का प्रैक्टिस काफी है। अब एक टॉपिक लेना, टॉपिक क्या लोगे? आर्टिकल्स है टॉपिक, ठीक है? आर्टिकल्स टॉपिक अच्छा हुआ है ना, तो उस आज का अभी का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल से रिलेटेड हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आर्टिकल स्टार्ट, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों का, आर्टिकल से रिलेटेड प्रिपेयर करना। हम आर्टिकल से मींस जो न्यूज में आर्टिकल, न्यूज का आर्टिकल्स, और अपना जो टॉपिक है आर्टिकल्स, ए एन द, ये सब भी कर सकते हो, उस पर डिस्कशन करना। हाँ, उस पर वो डिस्कशन क्या करें, उस पर पहले पढ़ेंगे जब करेंगे। आर्टिकल्स होता क्या है ये पहले समझ लोगे तो फिर डिस्कशन करोगे ना। यस मैम, ए एन द यूज होता है आर्टिकल्स में। ठीक है, रुको मैं दे रही हूँ टॉपिक, इसको मत लो मैम। ऐसे ही कंप्लीट करेंगे ना, किसके लिए क्या करने का, ए आई ओ यू जो स्वर होते उसमें एन उठकर उसके आगे आ जाएगा। वॉवल्स इसके आगे, आई ओ यू क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं, मराठी में स्वर बोलते हैं उसको। मराठी में नहीं भाई, समझ गई, स्वर बोलते हैं हिंदी। हाँ, हिंदी में स्वर ही बोलते हैं उसको। उसके आगे एन लगाने का, और जो दुनिया में एक अकेली कौन सी चीज होगी, जैसे कि चीज बोले तो एक रिवर, यानी रिवर बिल्डिंग कुछ तो ऐसा होगा, उसके आगे द लगाने का। आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स ना शाम ट्यूसडे से करेंगे अपन, ठीक है? ट्यूसडे को, मंडे को अगर मैं क्लास लूंगी तो करेंगे, अगर नहीं ली तो ट्यूसडे से करेंगे, ठीक है? अभी का टॉपिक मैं आप लोग को देती हूँ, मैगजीन। मैगजीन टॉपिक है आप लोग का, ठीक है? मैगजीन से रिलेटेड टॉपिक करो, आप लोगों को ऐसा कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे बता दो। कैसा डाउट मैम? मतलब टॉपिक्स तो हो गए ना, तो कोई टॉपिक में डाउट ऐसा कुछ बचा है तो बता दो। नहीं, मेरे एक है टॉपिक पैरालिज्म वाला, वो थोड़ा क्लियर भी होगा। हाँ हाँ, उसका पैरालिज्म था ना। हाँ, पैरालिज्म इसको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, बाकी तो पता है वैसे कि क्या चीज है, बट ये कि थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, वो मैं बता दूंगी। मैगजीन,
मैगजीन से बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है। इसमें बिजनेस मैगजीन भी होते हैं जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है, इसमें अपडेट्स के बारे में हमें पता चलता है, लेटेस्ट क्या क्या खबर है, क्या हो रहा है, ये सब पता चल जाता है, और हमें बिजनेस में क्या हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स में चलेंगे, वो सब चीज़ें पता चल जाती है बिजनेस मैगजीन के द्वारा। ऑनलाइन भी मिल जाता है हम लोग को मैगजीन की टॉपिक जिसमें हम पता कर सकते हैं, और मैगजीन रीड करना बहुत ही बेनिफिशियल है, बट जो कि आप लोग नहीं करते हो। मैं मैगजीन तो नहीं रीड करता हूँ, बट एक न्यूज़पेपर कभी कभार रीड करता हूँ। द मोर यू कैन रीच आउट टू द मोर यू एक्सपेंड द मोर यू नो एंड सब्सिक्वेंटली जितना आप लोगों को पढ़ोगे जितना नॉलेज होगी उतना ही आप लोगों इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, और उतना ही ज्यादा आप लोग ग्रो करोगे। दिस इज व्हाट रीडिंग कैन डू फॉर यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली। इसमें आप लोग के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पार्टनरली प्रॉफिट है। हियर वी हैव लिस्टेड डाउन सम की रीजन व्हाई रीडिंग बिजनेस मैगजीन, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रीडिंग द टॉप ऑनलाइन बिजनेस मैगजीन इज दैट रीडर गेट्स ऑन विद अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन and the latest market updates or market ki updates ke bare mein logo ko pata chalta hai. Online business magazine have become quite common these days. There are many benefits to read on this online. Aap log ka suggestion hai magazine se related? मैगजीन इज अ गुड ऑफ जस्ट लाइक एज अ आर्टिकल टू इम्पोर्टेंट न्यूज इन अ न्यूज़पेपर। ओके ओके एंड मैगजीन इज अ बेस्ट वे टू नो योर नॉलेज टू रीड दिस टॉपिक एंड टॉपिक फॉर मैगजीन article and you know very well ki how to what doing in our area. Main ye nahi hoga na magazine is just type of a thoughtful images Sham, what is किसी से रिलेटेड इंटरव्यू? हाँ ठीक, ऐसे ही होता है क्या? शाम मुझे तुम्हारा थॉट बताना। मैगजीन इन मैगजीन मेनी मेनी शाम वॉइस ब्रेक हो। हाँ शाम बोलो। हेलो 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 मैडम। हाँ शाम नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मैम। इन मैगजीन पिक एजुकेशनल बिजनेस educational business or main magazine daily purpose or other